नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया विशेष वेस्ट इंडीज के बीच ओडीआई का पहला मुकाबला था, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। भारत ने 10 विकेटों के नुकसान पर वेस्ट इंडीज को 176 रनों पर रोक दिया। क्या है पूरी वीडियो की जानकारी बताएंगे हम इस आगे। आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलो बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग करने उतरी, एस सोफ ने 8 रन नहीं बना पाए और वो पवेलियन लौट गए। उसके बाद किंग वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 26 बॉलों पर 13 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। उसके बाद ब्रावो आए, उन्होंने थोड़ी बहुत पारी खेली और 18 रन बनाकर वो भी चले गए। उसके बाद एस ब्रोकस आए, उन्होंने 26 बॉलों पर 12 रन बनाए और वो भी पवेलियन लौट गए। उसके बाद निकोलस पूरन 25 बॉलों पर 18 रन बनाए, उनकी पारी में 3 चौके शामिल हैं, वो भी ज़्यादा कुछ खास से बड़ी पारी खेल नहीं पाए और आउट हो गए। उनके बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान कारन पोलार्ड आए और वो पहली बॉल पर आउट हो गए और वो पवेलियन लौट गए। उसके बाद जस्टिन होल्डर ने एक शानदार पारी खेली, 71 बॉलों पर 57 रन बनाए, उनकी पारी में 4 चक्के शामिल है। उसके बाद हसन वो भी कुछ अपना खाता नहीं खोल पाए और 3 बॉल खेलकर आउट हो गए। उनके बाद अलेन आए, उन्होंने 43 बॉलों पर 29 रन बनाए, उनकी पारी में 2 चौके शामिल है। उसके बाद जेसिप ने 16 बॉलों पर 13 रन बनाए, उनकी पारी में 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। और वेस्ट इंडीज की पारी 171 रनों पर सिमट गई 10 विकेटों के नुकसान पर। वहीं भारतीय बॉलरों की बात करें तो युजवेंद्र चहल ने सबसे ज़्यादा विकेट 4 विकेट लिए, उन्होंने 9.5 ओवर में 49 रन देकर 4 विकेट लिए। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 8 ओवरों में 26 रन देकर 1 विकेट लिया और प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवरों में 2 विकेट लिए। और वहीं सुंदर ने 9 ओवरों में 30 रन देकर 3 विकेट लिए और ठाकुर को 1 विकेट नहीं मिला। भारतीय बॉलरों ने एक शानदार बॉलिंग की और वेस्ट इंडीज की टीम को 171 रनों पर समेट दिया। दोस्तों, भारत की तरफ से बैटिंग करने आए रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन। रोहित शर्मा ने 51 बॉलों पर 60 रन बनाए, एक शानदार पारी के लिए उन्होंने 10 चौके और 1 छक्का लगाया अपनी पारी में। वहीं ईशान किशन ने 28 रन बनाए, 36 बॉलों पर 2 चौके और 1 छक्का उनकी पारी में शामिल है। वहीं विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए, 4 बॉलों में 8 रन बनाए, उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। उनके बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत, उन्होंने 9 बॉलों पर 11 रन बनाए, उनकी पारी में 2 चौके शामिल है, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और पवेलियन लौट गए। उसके बाद बैटिंग करने आए सुरेश यादव ने 36 बॉलों पर 34 रन बनाए और लास्ट उन्होंने बाउंड्री लगाकर भारत को मैच जिताया। वहीं दीपक हुड्डा ने भी शानदार पारी खेली, 32 बॉलों पर 26 रन बनाए, उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। भारत का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में 84 रन पर गिरा, वहीं दूसरा विकेट 93 रनों पर विराट कोहली की गिरा और तीसरा विकेट ईशांत किशन का और चौथा विकेट ऋषभ पंत का गिरा। वहीं न्यूजीलैंड के बॉलरों की बात करें तो रोच ने 5 ओवर में 41 रन दिए और उनकी पारी में कोई भी विकेट हासिल नहीं हुआ। होल्डर ने 29 रनों पर 5 ओवर किए और उन्होंने भी कोई विकेट नहीं मिला। जसप ने 7 ओवरों में 45 रन दिए और उनको 2 विकेट मिले। वहीं हुसैन ने 9 ओवरों में 46 रन देकर उन्हें भी 1 विकेट मिला। अलेन ने सिर्फ 2 ओवर किए और उनकी ने 14 रन दिए और उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसे आगे आने वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, सेकंड मैच कौन जीतेगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।